पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया हल्का के गांव शेखुपुरिया में, जहां पे मैं आपको बता दूं कि चौधरी रणजीत सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज से अगर मैं कहूं कि कुछ दिन पहले से ही अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। तो आज इसी संदर्भ में शेखुपुरिया गांव के अंदर चौधरी रणजीत सिंह एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे रणजीत सिंह को सुनने के लिए, चौधरी रणजीत सिंह को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तमाम गाँव के लोगों का यही भरोसा दिलवा रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह को कि वो इस बार भारी बहुमत से विजयी होंगे, रानिया हल्का से उम्मीदवार के तौर पर आएंगे तो उनको भारी बहुमत से जीत दिलाने का वो काम करेंगे। अगर मैं आपको सामने मुख्य स्टेज पे दिखाना चाहूँ तो रानिया हल्का के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह के साथ बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह अभी कुछ ही समय बाद इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो चलिए, क्या कुछ वो लोगों को संदेश देते हैं, क्या कुछ चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं और किस तरह की आगे की रणनीति उनकी रहेगी, वो तमाम विषयों पर चर्चा आज यहाँ पे इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर की जाएगी। तो चलिए अभी चौधरी रणजीत सिंह से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो आने वाले समय में अपने चुनाव प्रचार को जारी रखते हैं और क्या कुछ राजनीतिक सवाल भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और अपने आप को वो कहाँ पे देखते हैं। This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from third standard itself. This is our school for my dream come true. पिछले दो दिन में बहुत तेजी से कांग्रेस का ग्राफ उठ गया। कल मैं मीटिंग में बात कर रहा था कि अगर ये एक महीना पहले फैसला हो जाता तो आज के दिन हम 40 से ऊपर सीटों पे खड़े थे और दो दिन में इतना हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए ना, एक हफ्ते के बाद कांग्रेस की हवा कितनी तेजी से शुरू हो जाएगी। 15 दिन में इलेक्शन हमारा होगा, मैं आपको कहते जा रहा हूँ। 15 दिन में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बीजेपी पहुंचेगी। बीजेपी का तो कुछ था नहीं, ये तो हालात ऐसे बने कि जब आपस की लड़ाई थी कांग्रेस में, कह रहे थे हटा देंगे, वो कहता है मुझे कोई हटा नहीं सकता, इस तरीके की बातों से लोगों के मन टूटे हुए थे। कल कांग्रेस भवन में मेरे ख्याल में कभी मैंने आज तक ऐसी मीटिंग नहीं देखी। खचाखच बार कम से कम 3-4 हजार तो गाड़ियां खड़ी थी, आदमियों को तो अंदाजा ही नहीं है। ऐसी मीटिंग कभी भी चंडीगढ़ में नहीं देखी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं कि भाई सारा गांव बैठा है, शेखुपुरिया वर्कर बैठे हैं, रानी हल्के के, मुझे थोड़ा ये बता दो कोई कैंडिडेट है क्या सामने? कांग्रेस में कोई दूसरा मांग नहीं रहा। यो तो देखिए डेमोक्रेसी है, कोई आदमी पर्ची आपका गांव का भी दे दे, कोई दे सकता, उसका तो बहुत नहीं, कोई बराबर जैसे नेहरा साहब थे, मैं था, या दूसरे हल्कों में दो दो तीन तीन कैंडिडेट, हमारे यहाँ तो दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है। मैं आपसे बता दूं जी, बड़ा क्लियर पूरे कॉन्फिडेंस से, पैसे जब मिला, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा।
चलिए चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अब से दो चार दिन पहले आपने गांव-गांव जाकर के चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो शंखनाद इसको मान सकते हैं कि चुनाव का बिगुल बजा दिया? बिल्कुल जी बिल्कुल, चुनाव लड़ूंगा, चुनाव की तैयारी में मैं शुरू कर रहा हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है और लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा। आप देख रहे हैं कि चुनाव डिक्लेयर नहीं हो, गाँव के गाँव हाजिर है, वर्कर हमारा साथ चला हुआ है। सर, कांग्रेस में एक चल रही थी गुटबाजी चल रही थी, जैसे ही कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाया उसके बाद में क्या कुछ कहना चाहें, क्या वो गुटबाजी खत्म हो चुकी है? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, तंवर साहब है, उनकी सेवाएं कहीं और ले ली जाएगी। राष्ट्र ये बहुत बड़े पद है, राहुल गांधी के बाद बहुत सीनियर आदमी और बनेंगे, उन्हें कहीं भी पहले IYC के बनाए, NSUA के बने, IYC के बने, हरियाणा प्रदेश कहीं जनरल सेक्रेटरी कुछ और, ये राहुल जी का सोच है, उन्हें अच्छी जगह पर बनाया जाएगा, हमारे अच्छे अध्यक्ष रहे, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अभी रथ यात्रा लेकर के अभी एक दो दिन पहले ही गए हैं, तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस रथ यात्रा को? देखिए, लोग जरूर आएंगे, पर इससे पहले तो मुख्यमंत्री जी कभी 70 साल का जीवन हो गया कि यहाँ आए नहीं, पहली बार आए हैं। चुनाव में होते हैं, कई बार NTR भी आते थे और उन्होंने करुणानिधि भी होके गए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी होके गए, उनका चुनाव के दिन रिश्ता होता है, बाकी दिन कोई रिश्ता नहीं होता। सर, रानिया हलके में एक सबसे बड़ी समस्या है चिट्टे की, नशे की, युवा नशे की गर्त में गिरता जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसकी शह से ये नशा? जो भी देखिए, 5 साल में नशा आया, पिछले 4 साल में, पहले कांग्रेस की सरकार में कभी ये नशा नहीं था, उधर पंजाब में था, बॉर्डर से परे सिख बेल्ट में था, यहाँ हमारे नहीं था, अब तो बुरी हालत हो रही है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आओगे उस दिन के बाद नशा नहीं बिकेगा, रानी हल्के की मैं गारंटी लेता हूँ। जो पुलिस वाले ऐसे काम होंगे वो उठा के मधुबन भेज देंगे, ये काम नहीं करने देते, जो पहले दिन पकड़ते हैं अगले दिन छोड़ देते हैं। सर, एक आपने प्रयास किया था एक महागठबंधन का, वो सिरे नहीं चढ़ा, उसके बाद JJP और BSP का गठबंधन हो गया था, वो भी टूट गया। राजनीति संभावनाओं का खेल है, बहुत चीज़ें बनती है, बहुत बिगड़ जाती हैं, सब कुछ मेरे हाथ नहीं होता। हमने एक प्रयास करा था कि सब लोग इकट्ठे हों और होता रहा है पहले भी देश में, अब ये हो गया कि कांग्रेस की लीडरशिप बहुत मजबूत हाथों में दे दी गई, कांग्रेस अकेली बहुत सक्षम है इसमें, और कोई ऐसे हालात बनेंगे तो तब मौके पर देखा जाएगा, हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप इस मामले को देखेगी। सर, एक आखिरी सवाल करूंगा, NLO और JJP को इकट्ठा करने के लिए खाप पंचायतें प्रयासरत हैं, काफ़ी बार प्रयास कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं आला नेताओं से, तो अभी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही, क्या कहना? मुझे नहीं लगता, पहले मैंने भी जब घर में बैठे थे अफसोस में, बच्चे सब वहाँ, तो मैंने भी एक प्रयास करा था, बादल साहब ने भी करा था, जिस दिन लास्ट दिन था, जिस दिन आप कह दें कि 13वीं जिसे कह दें, उस दिन भी ये कोशिश हुई, बस नहीं सिरे चढ़ा। मुझे नहीं लगता, खाप भी अगर करें तो चलो, कहीं भी विपक्ष भी अगर इकट्ठा मजबूत कहीं होता है तो हमें खुशी की बात होगी, वो भी हमारे साथ पहले बहुत समय से साथ रहे हैं, तो मुझे कम उम्मीद है कि वो अब सिरे चढ़ेगी। उसमें कुछ लोगों का बहुत बचपने से ये मामला बिगड़ा था, जो बचकाना हरकत थी। सर, अगर मैं बात करूं तो रानिया हलका से कांग्रेस की ओर से आप हैं और कांडा बंधु भी इस बार काफ़ी जोर जहमत लगा रहे हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी इस बार एक मोदी लहर, मान लीजिए मोदी लहर चली थी, उस बीच में कहां आप इलेक्शन को देखते हैं? कांडा तो गोवा में रहता है, वो तो अभी 15 दिन से आना शुरू किया है उसने, वहाँ कुछ वायरल हो जाता है समुद्र में रहने करके, इस करके वो इधर आ गया, 15 दिन जलवायु परिवर्तन के लिए आया, पैसा कमाया हुआ लोगों को गौशाला में दे जाएगा, वोट एक भी नहीं देते, लोग बड़े समझदार हैं, 4.5 साल कभी आया नहीं, अब 3 महीने में चक्कर मार के अगर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, एक आदमी भी वोट नहीं देगा, कोई चर्चा ही नहीं है। हम BJP का चर्चा करते हैं, INLO JJP पार्टी रही है उसका चर्चा है, कांडे का इस हलके में कहीं चर्चा नहीं है, सरसा में भी नहीं है। आने वाले समय में सर आपके कोई बड़े प्रोग्राम इस हलका? देखिए, चुनाव के वक्त कोई बड़ी रैली होगी जिसमें सिंधिया साहब भी आएंगे और शैलजा हुड्डा साहब को भी लेके आएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे बड़ा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से वो चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे, और इस बार जो है चुनाव में उनको भारी बहुमत से विजय मिलेगी, ऐसा सबूत हमें यहाँ शेखुपुरिया गांव के लोगों ने दे दिया है, क्योंकि शेखुपुरिया गांव के अंदर मैं बात करूँ तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश भी चौधरी रणजीत सिंह ने आज कार्यकर्ताओं को दिए हैं।
खैर इलेक्शन में अभी कुछ ही समय बाकी है, देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर किस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह को जनता जो है यहाँ से अपना प्रत्याशी अपना विधायक चुनती है या नहीं चुनती। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।